नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की। 86.58 का स्टॉक है और 0.29% के आसपास की रैली फ्राइडे को यहाँ पर आई थी। आज मंडे है, आज का ऑफ है मार्केट आपका, तो बात करें कुछ बड़ी खबरों के बारे में। देखिए, दो बड़ी खबरें यहाँ पर है। प्राइवेटाइजेशन को लेकर के चर्चा बढ़ी है, साथ में ही बात यहाँ पर है कि आईडीबीआई बैंक को लगभग 2700 करोड़ के आसपास का नया फंड मिला है, और 2704 करोड़ का ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत बड़ा फंड इसके हाथ लगा है। कंपनी विचार कर रही है कि क्या किया जाए इस पैसे का, कहाँ से आया है ये निवेश, कहाँ से आया है ये पैसा। बात करेंगे उसके साथ में, बात करेंगे कि आरबीआई बैंक की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, क्या यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन होता है तो निवेशकों के तौर पे आपको क्या फायदा हो सकता है, रिटेल इन्वेस्टर को कितना फायदा होगा, डीआईआई को एफआईआई का कितना हिस्सा है यहाँ पर, क्या वो लोग भी यहाँ पर आरबीआई के प्राइवेटाइजेशन को लेकर के रूट कर रहे हैं या नहीं, उसकी भी चर्चा यहाँ पर होगी। बाद में साथ में बात करेंगे कि टारगेट क्या लेकर के आपको यहाँ पर चलना चाहिए, और अगर आपने यहाँ पर निवेश किया है तो क्या इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन, लॉन्ग टर्म टारगेट आपका हो सकता है। शॉर्ट टर्म में तो आप देखेंगे तो प्राइवेटाइजेशन के बाद क्या उतार चढ़ाव होगा वो तो बात करेंगे हम यहाँ पे, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करें तो लॉन्ग टर्म में कितना मुनाफा आपको हो सकता है उसकी भी चर्चा यहाँ पर रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, वॉल्यूम में अगर आप बात करेंगे तो वॉल्यूम बहुत अच्छा है, साथ में यहाँ पर मैं आपको डिलीवरी भी दिखा देता हूँ, क्योंकि जब से प्राइवेटाइजेशन की बात हुई है कंपनी में डिलीवरी एक अच्छी खासी डिलीवरी यहाँ पर उठाई जा रही है। 41% के आसपास का स्टॉक यहाँ पर उठाया जा रहा है लगातार। अगर आप देखेंगे तो खरीदारी यहाँ पर बढ़ी है, यानी कि अगर आप देखेंगे एक दिन में 7 मिलियन शेयर अगर यहाँ पर बिके हैं, ट्रेड हुए हैं, तो यहाँ पर लगभग 3 मिलियन शेयर जो है, यानी कि 41% के करीब में 3 मिलियन, 2.9 to 3 मिलियन के करीब में शेयर जो है वो आपके लंबे समय के लिए बाय किए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बाय किए हैं। यहाँ पर खरीदारी जो है लगभग बढ़ी है, रिटेल इन्वेस्टर हो, डीआईआई हो, एफआईआई हो, यहाँ पर लगातार इस स्टॉक में, इस कंपनी में बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, खरीदारी यहाँ पर बढ़ी है, और ज्यादातर जो खरीदारी हो रही है वो शॉर्ट टर्म से मिड टर्म के लिए यहाँ पर की जा रही है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन को लेकर के लगातार यहाँ पर जिस हिसाब से चर्चा बढ़ रही है उसी हिसाब से यहाँ पर खरीदारी बढ़ रही है। सभी को लगता है कि अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो उसका सीधा मुनाफा डायरेक्टली उसके कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि कितना हिस्सा किसके हाथ में है और कितना फायदा आपको मिल सकता है। ओवरऑल अगर देखेंगे तो अभी तो एलआईसी के पास में सबसे बड़ा हिस्सा है 49% के आसपास का, जो कि बिकने वाला है, और सबसे बड़ा गवर्नमेंट फिर हो जाता है और पब्लिक के पास में थोड़ा पैसा है। एफआईआई की बात करें, एफआईआई के पास में 0.545% के आसपास का स्टेक है, यहाँ पे ज्यादा नहीं है, बट हाँ ओवरऑल अगर आप देखें तो लास्ट क्वार्टर में वो बढ़ाया गया था। प्रमोटर्स 94% होल्ड करते हैं, तो ओवरऑल जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है वो रिटेल इन्वेस्टर के पास है, रिटेल इन्वेस्टर को इसमें काफी होप है। दो बड़ी कंपनी है जो यहाँ पर रेस में है, आपको पता है महिंद्रा है और साथ में फिनफैक्स भी है, जो सीबीएस बैंक है आपका, उनके मालिक जो है, तो ओवरऑल बड़े इन्वेस्टर, बड़े निवेशक यहाँ पर हाथ मार रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि यहाँ पर आपको मुनाफा भी हो सकता है। सबसे पहले मैं चार्ट में दिखा देता हूँ आपको, कंपनी के हालात काफी अच्छे, फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग हो चुकी है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, आरबीआई ने ऑलरेडी फाइनलाइजेशन कर दिया है कि आने वाले 2 से 3 महीनों में यहाँ पर इस बैंक को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। ओवरऑल फाइनेंशियली अगर आप देखेंगे तो कंपनी का फाइनेंशियल सिचुएशन काफी ठीक हो चुका है। चार्ट की जहां तक बात है, चार्ट भी आपका अच्छा है, अगर खरीदारी करने उतर रहे हैं तो चार्ट को बहुत ध्यान से देखेंगे, चार्ट आपका एक रेंज में बना हुआ है, जब तक अपर एंड पर अगर आप देखें 92-93 रुपीज के आसपास का ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक यहाँ पे खरीदारी करने का कोई मतलब नहीं बनता है, बट अगर आप लंबे समय के लिए जाना चाहते हैं तो इस रेंज में आप बाय करके रख सकते हैं। खरीदारी अगर आती है, अच्छी खरीदारी हो रही है, खबरें अच्छी आ रही है, मार्केट अच्छा चल रहा है, तो इस अपर एंड को, रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद आपका एक अच्छा खासा मार्क 110 से 114 के आसपास का जो टारगेट रहा था उसको अचीव करता हुआ दिखाई देगा, जो शॉर्ट टर्म का आपका टारगेट भी हो 14 के करीब का। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट को ब्रेक करने का यहाँ पर सवाल पैदा नहीं होता जब तक कि गवर्नमेंट कुछ अनस्टेबल ना हो और या फिर स्टॉक मार्केट में कोई बुरी खबर ना आ जाए उस तरह की, और इस समय पर अगर आप देखेंगे तो ग्लोबली भी संकेत अच्छे आ रहे हैं और मार्केट में भी संकेत काफी ठीक ठाक चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी भी तरह से सपोर्ट को ब्रेक करने का कोई ख्याल आपके मन में आना चाहिए। अपर टारगेट आपको लेकर के चलना है 110 से 114 के करीब का। खबरें अच्छी हैं, प्राइवेटाइजेशन जल्दी हो सकता है, बड़ी खबर जो आपके लिए रही है वो 2702 करोड़ के आसपास का, यहाँ पर माफ कीजिएगा 2704 कहा था मैंने, 2702 करोड़ के आसपास का इनकम टैक्स रिफंड इस कंपनी को मिला है, जो कि बहुत बड़ी बात है। कंपनी ने कहा है कि वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट आईडीबीआई बैंक लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर अंडर सेक्शन इतना एंड गवर्नमेंट इनकम टैक्स के एक्ट के अंतर्गत 2701.62 करोड़ के आसपास का इंक्लूडिंग इंटरेस्ट के साथ इसको मिला है। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पर नोट करना पड़ेगा, रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से तौर पे आप देखते हैं हमेशा कि अक्सर ये होता है कि आप सिर्फ खबरों को पढ़ते हैं, आप समझने की कोशिश नहीं करते। 7 जून के करीब में ये रिफंड इनको मिला था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी चाह रही है कि कंपनी को बेचा है, और यही कारण है कि इनकम टैक्स, ये जो 2702 करोड़ का इनकम टैक्स इनको रिफंड मिला है वो 2016-2017 के करीब का है, जो इस समय पर आकर के इनको मिला है। ये रिफंड इनको अपने आप नहीं मिला है, गवर्नमेंट के तौर पर एक फंड इन्फ्यूज किया गया है कंपनी में, ताकि जो इनका एनपीए है, आप देखेंगे नेट एनपीए तो कंपनी का काफी कम है, ठीक है,
पर जो ग्रॉस एनपीए है वो काफी ज्यादा है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अगर आप नेट एनपीए देखेंगे तो नेट एनपीए कंपनी का 0.34% के आसपास का है, बट ग्रॉस एनपीए जो है इस कंपनी का वो 4.5% के करीब का है। और कंपनी को जो 2700 करोड़ रुपए मिले हैं उस एनपीए को कम करने के लिए ही दिया गया है, ताकि ये एनपीए को अपने कम कर सके। अगर एनपीए आपका कम रहेगा तो कंपनी डायरेक्टली अपनी बैलेंस शीट को इम्प्रूव कर पाएगी, और बैलेंस शीट अगर अच्छी रहेगी तो कंपनी को अच्छे रेट में अच्छे शेयर प्राइस पर इसको डाइवेस्ट किया जा सकेगा। 92 रुपीज पर शेयर के आसपास का, कितने रुपीज में बिकेगी, 92 रुपीज पर शेयर के हिसाब से अभी तक इसका फाइनलाइजेशन हुआ है। गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको अच्छे से अच्छे रेट में बेचा जाए, और यही कारण है कि 2702 करोड़ का फंड इन्फ्यूजन इस कंपनी में किया गया है। ये डायरेक्टली तो इनकम टैक्स रिफंड है, बट इनडायरेक्टली आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट क्या चाहती है इस बैंक से। गवर्नमेंट चाहती है कि इसको अच्छे से अच्छे रेट में, अगर आप 84 पर लेट्स से बाय कर लेते हैं तो 92 का तो आपको वैसे भी प्रॉफिट यहाँ पर बनी रहा है, 92 रुपीज पर शेयर के हिसाब से बिकेगी कंपनी, यहाँ पर आपको डायरेक्टली प्रॉफिट तो हो ही रहा है। बट गवर्नमेंट चाहती है कि इसको कम से कम भी नहीं तो 102 रुपए, 110 रुपए के करीब में इस प्राइस बैंड के अंदर में बेचा जाए। ये प्राइस बैंड डिसाइड हुआ था लास्ट टाइम में जब कंपनी को प्राइवेटाइज करने की बात चल रही थी। वो अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट इसको इस प्राइस बैंड में लेकर के जाना चाहती है, और यही कारण है कि 2702 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर फंड इन्फ्यूजन डायरेक्टली इनकम टैक्स रिफंड और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का फंड इन्फ्यूजन के तौर पर यहाँ पर किया गया है। ओवरऑल दोनों ही तरीके से आपके लिए फायदा है, आपके लिए अच्छी खबर है। जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है प्राइवेटाइजेशन जल्दी से जल्दी हो, अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो ठीक ठाक समय है। हाँ, लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए, कहाँ पर खरीदारी करना है, कितना करना है, करना है या नहीं करना है। बट मेरी राय ये रहेगी कि देखिए, अगर आप इस प्राइस बैंड को देखते हैं तो ये प्राइस बैंड थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, ब्रेकआउट मिलता है तो खरीदारी करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 110, 114 का प्रेजेंट टारगेट रहेगा मेरा। बाकी अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट का जो 2702 करोड़ का फंड इन्फ्यूज किया गया है इस कंपनी में, वो इस हफ्ते में रंग लाएगा, और इस हफ्ते में एक अच्छी खासी रैली की उम्मीद मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। एक ठीक ठाक रैली आईडीबीआई बैंक में इस हफ्ते आते हुए देखने को मिल जाएगी आपको। बहरहाल वीडियो को हम यही खत्म करेंगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कहाँ कर रहे हैं खरीदारी, कितना कर रहे हैं, किसी और स्टॉक में फंसे हुए हैं तो कमेंट करना, हम उस पर वीडियो करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग लास्ट कॉल ऑल, क्या आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर प्लीज कमेंट करना और शेयर करना इस वीडियो को। थैंक यू अगेन।